जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो जीवन वस्तुतः बहुत ही अनमोल है। शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा गाई गई है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि लब्ध्वा कथंचिन नरजनम दुर्लभम, जिस किसी भी प्रकार से मिला हो मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने कहा कि कबहू के कर करुणा नर देही देत हेत बिनु ईश स्नेह। कभी कभार जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब जाकर के मानव जीवन प्राप्त होता है। आदि शंकराचार्य जी इस पचड़े में नहीं फंसे। उन्होंने कहा कि लब्ध्वा कथंचिन नरजनम दुर्लभम, अरे भाई जिस किसी भी प्रकार से मिला है मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मानव जीवन की बहुत महिमा गाई। इस मानव जीवन को पा करके आज हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर विचार किया जाए। क्या हम मनुष्य हैं? क्या हमारे अंदर मानवीय संवेदना बहती है? आज मनुष्य के रूप में हम राक्षस जैसे जीवन जी रहे हैं। दिखावा तो हम राम का करते हैं, दिखावा तो हम कृष्ण का करते हैं, भक्त तो हम राम के हैं, भक्त तो हम कृष्ण के हैं, भक्त तो हम शिव के हैं, और जीवन हम ऐसे जीते हैं जैसे हम जीवन ऐसे जीते हैं रावण की तरह हम जीवन जिए चले जा रहे हैं। रावण भी शर्मा जाएगा कि ऐसा जीवन तो मेरा नहीं था। जिस जीवन को आज आदमी जी रहा है उस जीवन को जीने से ये पता चलता है कि जितना आदमी का जीवन आज दूषित हो गया है उतना दूषित जीवन राम रावण का नहीं था, उतना दूषित जीवन कंस का नहीं था। जितना आज आदमी तांडव मचा रहा है, जितना आज आदमी पाखंड फैला रहा है, और जितना आदमी अनैतिक कर्म कर रहा है, अमानवीय कर्म कर रहा है, उतना कर्म बिगड़ा हुआ रावण का नहीं था। रावण तो प्रकांड पंडित विद्वान था, वेदों के ऊपर उसका भाष्य मिलता है। अगर आप कभी ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद पर रावण भाष्य है, रावण ने उस पर भाष्य लिखा है। लेकिन रावण का जीवन इतना दुर्गति युक्त नहीं था जितना आज हम अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। विचार करिए कि आज हम मनुष्य हैं, क्या मनुष्य में मानवीय संवेदना है? क्या मनुष्य की प्रकृति से युक्त हम जीवन जी रहे हैं? ना तो हमारा आहार विहार मानवीय है, ना तो हमारा व्यवहार मानवीय है। केवल आज मनुष्य का शरीर हमारे पास है, आज मानवीय संवेदना हमारी मरती जा रही है। कितना भी आप धर्म कर लो, कितना भी आप पाखंड पूजा पाठ कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे, हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मनुर्भव, हम मनुष्य बने। मनुष्य होने की प्रक्रिया क्या है? ये जो जीवन आपको मिला है इस जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस जीवन का नियंत्रण कैसे किया जाए, इस जीवन को संयमित कैसे किया जाए, कभी आपने विचार किया? आपका जीवन, आपका जीवन प्रबंधन युक्त है? बाहर तो आपने घरों को खूब सजाया, बाहर तो आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, लेकिन भूल गए अपने जीवन को सजाना, भूल गए अपने आप को संवारना, भूल गए कि ये जो जीवन मिला है इस जीवन को भी सजाना है, भूल गए कि इस जीवन को भी संवारना है, इस जीवन को भी नियंत्रित करना है। आज ना आदमी का आहार नियंत्रित है, आज आदमी ऐसा आहार कर रहा है जिसका परिणाम आज आदमी को मिल रहा है। मांस मछली मानवीय आहार है? कभी आपने विचार किया? एक घटना से, एक प्रसंग से मैं आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा। एक भिखारी, अक्सर भिखारी आदमी को मिल जाता है कुछ लेने के लिए, कुछ दीजिए। आदमी कहीं भी जाएंगे, आप ट्रेन में कहीं भी आप जाएंगे तो भिखारी मिल जाता है कुछ न कुछ मांगने के लिए कि कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। एक भिखारी था, दिन भर भीख मांगता था, और दिन भर भीख मांगा ट्रेन में,
उसी ट्रेन में एक समझदार आदमी भी बैठा था जो ये समझता था कि किसको क्या देना उचित है। देना गलत नहीं है, लेकिन किसको क्या देना चाहिए। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी, उस दिन आप किसी को देंगे तो ये सोच समझ करके देंगे कि किसको क्या दें। जिसको भूख है आप उसे रोटी दे दीजिए, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है आप उसको वस्त्र दे दीजिए। और जो आदमी शिक्षा प्रतिभा है लेकिन उसको शिक्षा नहीं ले सकता है, पैसा नहीं है, तो उसको अगर आप शिक्षित करा सकते हैं तो उसे आप उचित शिक्षा दे दीजिए। यही दान है। उचित व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को हम दान देना चाहिए कि कौन किस चीज का पात्र है, ये विचार करके हमको कुछ न कुछ देना चाहिए। वो आदमी बड़ा समझदार था, उसने कहा कि इसको हम पैसा तो दे रहे हैं, जैसे हम भिखारी को पैसा देते हैं, एक एक भिखारी कई करोड़ों रुपये भिखारी के पास हो जाता है मांग मांग करके। वो भिखारी को वो पैसा दिया, उसने देखा कि इसका ये सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है, थोड़ा देख लू। वो भिखारी जैसे ही ट्रेन से उतरा और ट्रेन से उतर करके सीधे मांस के दुकान पर चला गया। वो समझदार व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा और उस भिखारी से प्रश्न करता है। बात प्राचीन काल की है और उस समय हमारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत में उस भिखारी से उसने प्रश्न किया कि भो भिक्षुक मांस निसेवनम प्रकुरसे, अरे भिखारी मांस खाते हो क्या। उस भिखारी ने उत्तर दिया कि मैं मांस ही नहीं खाता, केवल मांस ही नहीं खाता, किम तेन मद्येन विना, मैं मांस खाता हूं लेकिन शराब के साथ मांस खाता हूं। फिर उसने प्रश्न किया कि क्या तुम शराब भी पीते हो। फिर उसने उत्तर दिया कि केवल मैं शराब ही नहीं पीता हूं, शराब पीता हूं वारांगना भी सह, उसके लिए मैं बेसिया को भी लाता हूं तब शराब पीता हूं। फिर उसने उस जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि कुतस तवा अर्थ, अरे बेशिया वृत्ति करने के लिए तो बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, शराब पीने के लिए तो बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। बिहार में शराब बंद है ना, और एक बोतल आजकल कितना में मिलता है, एक एक हजार रुपए उनको पता है। बोलिए सतगुरुदेव की। उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है वेश्यावृत्ति करने के लिए, शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए। कहा उसके लिए मैं जुआ खेलता हूँ। क्या करता हूँ? कुतस तवा अर्थ, तुम्हारे पास अर्थ कहाँ से आता है, धन कहाँ से आता है। उसने कहा उसके लिए मैं जुआ खेलता हूँ। उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि नष्टस्य का अन्या गति, नष्ट होने के लिए और क्या साधन चाहिए। अगर जीवन में बर्बादी चाहते हो तो यही कुछ साधन है जिसके द्वारा आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। यही कुछ साधन है जिसके द्वारा आदमी अपने जीवन को बर्बादी की कगार तक पहुंचा सकता है। इसलिए तो कहा कि द्वितं च मद्यं च पिस्तं च वेश्या पापादि चोरियम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि घोराति घोर नरकम नयन्ति। कागर नरक में जाना चाहते हो, घोर नरक में जाना चाहते हो, अपने जीवन को नरक बनाना चाहते हो, का द्वितं च मद्यं च पिस्तं च वेश्या, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना। आज तो लोग धर्म के नाम पर ये कर रहा है। कहाँ चली गई है हमारी मानवता? आज धर्म के नाम पर यह पाखंड हो रहा है। बिहार में धड़ल्ले से एक परंपरा चली है शिव गुरु का, जागा जागा महादेवी। माताएं लोग सबसे ज्यादा कंगन पहन के उसमें उछल कूद करती है, सुबह से लेकर के शाम तक जागा जागा महादेव। और जागा जागा महादेव करने की बात करता क्या है ये लोग? मांस खाता है, शराब पीता है। उनके आचार्य जो हैं, गुरु हैं, वो शराब पीते हैं। और जिसके आचार्य और गुरु शराब पिए, मांस खाए, अब विचार करिए कि उसका नाश होगा कि नहीं, विनाश होगा कि नहीं,
विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज विनाश मनुष्य पर सा गया है, इसलिए आज मनुष्य ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। धर्म को भी आदमी ने धंधा बना लिया। मनुष्य के जीवन में नष्ट होने का यही कुछ साधन है जिससे आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है, आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। मांस मछली मानवीय आहार नहीं है, मनुष्य स्वभाव से ही प्रकृति से ही शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी हम बने। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। का युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार विहार हमारे युक्त हो। युक्त आहार विहारश्च कर्मसु युक्त चेष्टा, कर्मों में हमारी युक्त चेष्टा हो। मैंने कहा कि जीवन प्रबंधन का पहला सूत्र है कि सबसे पहले हम आहार को शुद्धि करें। आज आहार गलत होने के कारण आदमी का जीवन रोग ग्रस्त होता जा रहा है। मानसिक विकृति बौद्धिक विकृति मनुष्य के जीवन में आती है, उसके मूल में कारण है कि सबसे पहले आदमी का आहार बिगड़ गया है। आहार स्तर पर हम विचार करें कि अपने जीवन का संयमन कैसे किया जाए, अपने जीवन का नियंत्रण कैसे किया जाए, मानवीय संवेदना हमारे अंदर कैसे आए। मनुष्य आज इतना निर्दयी हो गया, जिस बकरी को हम पालते हैं पोसते हैं और उसी बकरी को फिर हम कसाई के हाथ बेचने के लिए मजबूर करते, बेच देते हैं पैसा के लिए। उधर निमित्तम बहुकृत भेषम, इस पेट के लिए आदमी बहुत भेष बनाता है पैसे के लिए। हम लोग भी बनाते हैं, साधु समाज में भी आजकल बहुत परंपरा चल पड़ी है, भागवत कथा लोग और न जाने क्या क्या, उसके नाम पर केवल उधर पूर्ति के लिए भेष धर्म को लोग धंधा बना करके बेच रहे हैं। मैं भागवत कथा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं जो अच्छे तरीके से उसका कथा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि बुद्धि वताम भागवते परीक्षा, कि बुद्धिवादियों की ज्ञानी की परीक्षा भागवत में होती है कि कितना आदमी ज्ञानी है, कितना आदमी शब्दों को पढ़ा है, उसकी परीक्षा भागवत पढ़ने वाले की होती है। तो विचार करें, आज मनुष्य के अंदर मानवीय संवेदना नहीं है। आज मनुष्य केवल मनुष्य हो जाए, ये धरा स्वर्ग हो सकती है, ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। अगर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, इस धरा को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल एक सूत्र है, केवल एक सूत्र है कि मनुष्य मनुष्य हो जाए। मैं एक कहानी एक घटना कहूं आप लोगों को। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था, बहुत प्यास लगी उसको, प्यास से तड़प रहा था, प्यास से तड़प रहा था। रास्ते में चल रहा था तो देखा कि एक जगह एक बहुत अच्छा आलीशान मकान बना हुआ था और उस आलीशान मकान में एक मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आजकल किसी के घर में जाइए तो सबसे पहले लिखा रहता है कि कुत्तों से, भले ही उस घर में आदमी रहता हो लेकिन लिखा क्या होता है कि कुत्तों से, कुत्तों से सावधान। आज आदमी आदमी को कम पालता है और जानवर ज्यादा पालता है, कुत्ते ज्यादा पालता है। उस घर में लिखा था कुत्तों से सावधान, फिर भी प्यास लगी थी बहुत जोर से। वो आदमी उस घर में घुस जाता है और प्यास के मारे तड़प रहा था। और जैसे ही प्यास के मारे तड़प रहा था, उसने कहा, पहले तो उसने कहा कहाँ आए। आज आदमी को आदमी से देख करके घृणा होती है, जलन होती है। बड़ा आदमी छोटे आदमी को देखना नहीं चाहता है। बड़प्पन तो आपका तब है जब एक छोटा व्यक्ति भी आपके पास बैठ करके अब उसको अपना उसका छोटापन महसूस न हो, तब आप बड़े आदमी हैं। बड़ा तो आप तब हैं जब आपके पास एक छोटा आदमी भी बैठे वो भी ऐसा महसूस करे कि हम किसी के पास बैठे हैं। बड़प्पन तो आपका तब है। वो आदमी जाता है वहाँ, कहा कि बाबा जी बहुत प्यास लगी है, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरी प्राण ही निकल जाएंगे, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मैं पानी पीना चाहता हूँ।
उसने कहा कि पानी तो मैं तुम्हें अभी नहीं, भागो यहाँ से, पहले तो कहा जाओ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत जब गिरगिराया तो गिरगिराने के बाद उसने कहा चलो बैठ जाओ, कोई आदमी, आप शब्द सुनिए कि कोई आदमी आ जाए तब मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। कहा अभी आदमी को आने दो, फिर पानी मैं पिला दूंगा। कुछ देर बैठा रहा, जब प्यास बहुत ज्यादा लग गई तो उसने कहा कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे अगर आपने पानी नहीं पिलाया। उसने कहा चुपचाप बैठना है तो बैठो, नहीं तो यहाँ से जाओ, मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी आएगा तो मैं पानी तुम्हें पिला दूंगा। उस प्यासे व्यक्ति ने कहा, जिस बात को आज समझने की आवश्यकता है, उस प्यासे व्यक्ति ने एक शब्द कहा कि कुछ देर के लिए अगर आप ही आदमी बन जाते तो क्या होता। कुछ देर के लिए अगर आप ही आदमी बन जाते तो क्या होता। आज यही स्थिति समाज की है कि हम सब कुछ तो बनना चाहते हैं लेकिन आदमी बनना नहीं चाहते। हम सब कुछ तो बनना चाहते हैं लेकिन मनुष्य होना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन हम मनुष्य हो जाएंगे, यकीन मानिए कि ये धरा स्वर्ग हो जाएगी। अगर इस धरा को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बाहर लोगों को नियंत्रण करने को छोड़ करके हम अपने जीवन पर नियंत्रण करें, हम अपने जीवन का प्रबंधन करें, अपने जीवन का नियंत्रण करें, अपने आहार विहार का नियंत्रण करें, अपने मन वचन बुद्धि पर नियंत्रण करें। अगर आपके भीतर में क्रोध का वेग आता है, अगर आपके भीतर में लोभ का उद्वेग आता है, अगर आपके भीतर में अहंकार का उद्वेग आता है, तो यकीन मानिए कि आप अभी मनुष्य होने की कसौटी में बहुत पीछे हैं। अगर आप बात बात पर क्रोध करते हैं तो यकीन मानिए कि आप मनुष्य होने की कसौटी में बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए आप गीता में कुछ तप बताया गया है कि मनुष्य होने का तप क्या है। शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, इस तीन तप के द्वारा आदमी अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। सबसे पहले शारीरिक तप, तो मैंने कहा कि आहार विहार की शुद्धि, युक्त आहार विहार लें। आज पिज्जा बर्गर की परंपरा को छोड़ करके वो जो एक चाली जैसे रहता है उसको क्या कहते हैं, चौमिंग, चौमिंग खाता है आजकल के माताएं लोग ज्यादा। क्योंकि शहर में जाएंगे तो सब लोग मोबाइल से ही भोजन मंगाता है, घर में भोजन नहीं बनता। पिज्जा बर्गर सैंडविच की परंपरा चल पड़ी है, आज कहाँ रह गई है वो परंपरा। भोजन आहार विहार इतना बिगड़ गया, तो सबसे पहले आहार की सुधार। माताएं लोग आपको भी कहता हूँ कि घर में बैठ करके मोबाइल मत देखना, भोजन बनाते समय भोजन जरूर बना लेना। ये मोबाइल की परंपरा में तो सब, तो सबसे पहले शरीर पर नियंत्रण, उसके बाद मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण कैसे होगा, भाव संशुद्धि रित्येव तपो मानसम उच्यते। गीता कहती है कि भाव संशुद्धि रित्येव तपो मानसम उच्यते का मानसिक तप क्या है, का कि भाव की संशुद्धि, आपकी भावना पवित्र हो जाए। आजकल सबसे ज्यादा आदमी की भावना कुंठित है, सबसे ज्यादा भावना कुंठित है। आदमी सोचता है कि कैसे हम आगे बढ़ें और दूसरे का हम पैर खींचते रहे। हम लोगों में भी है, साधु समाज में भी है, सब जगह है। आदमी ये सोचता है कि कैसे हम ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में हम रात दिन जलते रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित प्रसादनम। कहा कि भावना आपका प्रसादित कैसे हो, कहा कि मैत्री का भाव, अगर कोई सुखी जन है तो उसके प्रति मैत्री का भाव आपके भीतर में हो। मैत्री का भाव मतलब कि कोई आदमी सुखी है तो उसके सुख को देख करके हम जले नहीं, उसके सुख को देख करके हम जले नहीं, बल्कि हम उसके सुख को देख करके ये सोचें कि बढ़िया है कि वो आदमी सुखी है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है कि आदमी को देख करके आज आदमी जल रहा है। कितना जल रहा है आदमी को देख करके, भाव शुद्ध नहीं है हमारा दूसरे के प्रति, लोगों के प्रति।
तो भाव संशुद्धि रित्येव तपो मानसम उच्यते का मानसिक तप क्या है कि भाव की पवित्रता, भाव की शुद्धि, जिस दिन आपकी भावना पवित्र हो जाएगी यकीन मानिए कि आप मानसिक तप को धारण कर लेंगे। जो व्यक्ति शारीरिक तप, मानसिक तप और एक तप में आप लोगों को थोड़ा सा और चर्चा कर दूं, फिर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, काम की बात बता रहा हूँ शुद्ध रूप में। और एक तप और है जिसको वाचिक तप कहा गया, वाणी का तप, कि आदमी की भाषा नियंत्रित हो। आज सारे विवाद इसी के कारण हो रहे हैं। हमारी वाणी कैसी हो उसके लिए गीता कहती है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय वैष्णव चैव वाङ्मय तपः उच्यते का वाचिक तप क्या है, वाणी का तप क्या है, ताकि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हमारी वाणी कैसे हो, अनुद्वेग कर ऐसी वाणी बोले मन की आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए, ऐसे शब्द बोले, ऐसे वाक्य का हम प्रयोग करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। अरे भाई वचन से कौन दरिद्र है, वाणी से कोई दरिद्र है? वाणी से आदमी कह दे कि पूरा पृथ्वी हमारा ही है, मुंह है बोल देता है आदमी, कहने के लिए कुछ भी कह सकता है। तो अगर आप किसी के साथ प्रिय बोलते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हम ऐसी वाणी कभी नहीं बोले जिससे किसी को कष्ट हो। वैसे जो अच्छी वाणी होती है वो कड़वा ही होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य जो होता है हमेशा कड़वा होता है। सत्य को समझने के लिए आपका जो हितेशी होगा, और एक बात मैं आपको कह दूं कि जो व्यक्ति आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करे उससे बड़ा आपका विघातक इस दुनिया में कोई नहीं है। जो आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करे उससे बड़ा विघातक इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो आपके मुख पर आपके बुराई को उघाड़ दे उससे बड़ा हित चिंतक इस संसार में आपका कोई नहीं है। क्योंकि कहा, शास्त्रों में कहा गया, नीति वाक्य है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकर भी हो और मनोहारी वाणी हो ऐसा संसार में बहुत कम सुनने को मिलता है। फिर भी हम प्रिय बोले, सबके साथ मधुर मधुर बोले। हम तो बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर माताएं लोग बहुत ज्यादा गाली देती है, गाली गलो लड़ाई झंझट केसा केसी। हमारे व्याकरण शास्त्र में भी एक प्रयोग आता है, केसा केसी दंडा दंडी युद्धम प्रवर्तते इति, केस पकड़ के युद्ध करती है माताएं लोग, ऐसे एक दूसरे का झटकी पकड़ के। बिहार में तो खूब ज्यादा होता है केसा केसी दंडा दंडी, और हाथ ऐसे ऐसे चमका चमका करके गाली देती है, देती है ना। आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, क्यों गाली देते हो, क्यों आप शब्द कहते हो, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, वचो वाग्मिता, वाणी में वाग्मिता हो, मृदुभाषी बोले, मधुर बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले। बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा है एक श्लोक, मैं आप लोगों को कहूंगा फिर वाणी को संक्षेप करूंगा, क्योंकि पूज्य साहब जी विराजमान है बहुत देर से, उनसे क्षमा चाहता हूं मैं। कि केयूरानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न बिलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् हि भूषणम्। केयूरानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला। पूज्य साहब जी मंचासीन हो रहे हैं, बोलिए सदगुरुदेव की। साहब जी आ जाए उसके बाद दो मिनट में अपनी बात पूरा करूंगा। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
सभी लोग आगे खिसक करके बैठिए, आगे जगह बीच में खाली मत छोड़िए, आगे घसकिए, पीछे लोग को जगह नहीं है, आगे घसक के बैठिए बढ़िया से, जगह भर करके, आगे वाले लोग जगह भर के बैठिए, जल्दी शोरगुल कम, आगे घसक जाइए, पीछे वाले लोग फटाफट जाइए, बैठ जाइए सब लोग, पुरुष भाई लोग ओने पांचवे रिजर्वेशन छे अनु आवन बीच बीच में लोग जगह खाली छोड़ देता है, लगता है जैसे ना दाद हो जाता है बीच बीच में खाली, सबको भर के बैठिए, बोलिए सद्गुरुदेव की, जो जही है वही बैठ जाए, बस दो तीन मिनट में अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, बैठ जाइए आप लोग, माता जी अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। मैंने कहा कि केयूरानी न भूषयंति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला का व्यक्ति को आभूषित केयूर नहीं करता है, हारा न चंद्रोज्वला, आदमी चंद्रमा के समान हार पहन ले उससे भी व्यक्ति आभूषित नहीं होता है। केयूरानी न भूषयंति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, कोई व्यक्ति स्नान से आभूषित नहीं होता है, न सुगंधित विलेपन से आभूषित होता है, न मूर्धजा केश के विन्यास से। आज आदमी केश को बहुत ढंग से छटाता है, कई आदमी यहीं से कट करता है, कुछ यहाँ से भी करता है, कुछ पीछे से, कुछ इधर से, यहाँ क्या बना लेता है, घोंसला, चिड़िया का घोंसला बना लेता है। तो केश को कितना बढ़िया से आप सजा लें, इससे भी आप आभूषित नहीं हो सकते। न अलंकृता मूर्धजा वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी ही पुरुष को आभूषित करती है। या संस्कृता धार्यते छीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग भूषणम् ही भूषणम्, जिसके पास ये वाणी रूपी आभूषण है यकीन मानिए कि वो आदमी कहीं भी प्रतिष्ठित हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस जीवन को नियंत्रित कैसे किया जाए, इस जीवन का संयमन कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ सूत्र हैं। शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, इस तीन तप के द्वारा आदमी अपने जीवन को संयमित कर सकता है। और जिस व्यक्ति का जीवन संयमित हो गया, उस वो व्यक्ति संयमित जीवन को जीते जी जीते जीते एक दिन मोक्ष को भी उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि योगः कर्मसु कौशलम्, योग क्या है, कर्मों की कुशलता। जिस व्यक्ति के जीवन में कुशलता आ गई, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का प्रबंधन कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का नियंत्रण कर लिया, यकीन मानिए कि वो एक न एक दिन अपने जीवन में इस जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष कल्याण, उसको भी इस जीवन में आत्मसात कर सकता है। तो मैंने कहा कि इस धरातल का सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानव है, नहीं मानुषात श्रेष्ठतम ही किंचित, इस लोक में मनुष्य से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता आ जाए, मानवता आ जाए, उसके सूत्र हमारे जीवन में घटित हो, इसी के लिए हम सत्संग में आए हैं और उन पर विचार करें। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की जय।